अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्लास में एक्चुअली आपको बताया था कि हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे, और इसके लिए मैंने इनवाइट किया है, हमारा एक पुराना स्टूडेंट है जो फाइवर पे बहुत बिजनेस करता है और एक्टिव भी है, तो वो आपको इसके बारे में आगे वो बात करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिज़ाइन के बारे में कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना, यानी लैंडस्केप डिज़ाइन करना ऑटोकैड में और रियल टाइम में सीख लिया, अभी कैसे डिज़ाइन बनाएंगे और प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ऑलरेडी पहले से डिस्कस हो गया है और आप लोगों ने सीख भी लिया है। अभी जब आप एज अ डिज़ाइनर आप कोई साइट या प्रोजेक्ट या कोई घर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन से पहले क्या क्या चीज़ें जो आपके जहन में होना चाहिए और आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है एनवायरनमेंट। जो डिज़ाइन आप बनाते हैं, आप प्लांट्स लगाएंगे, तो वो प्लांट उस एनवायरनमेंट में, उस इलाके में, उस आबोहवा, उस टेम्परेचर में, या वहाँ की जो सनलाइट है, गर्मी है, उसको बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो इस बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। आप ये रिकॉर्ड डिज़ाइन से पहले अपने पास रखेंगे, तो ये सबसे पहले जरूरी बात ये हो गई। फिर आपके प्लांट्स के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, उसमें साइल भी आता है कि जहाँ पे आप डिज़ाइन बनाते हैं उसकी सॉइल कंडीशन क्या है, नमक वाला सॉइल है या वो कोई फॉरेस्ट वाला है या कोई पहले से उधर एग्रीकल्चर हुई है या बिल्कुल सैंड है, तो उस हवाले से आपके, क्योंकि लैंडस्केपिंग में वैसे भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो लैंडस्केप एरिया है उसको, उसका सॉइल प्लांटिंग मीडियम प्रिपेयर करते हैं, उसकी एक्सकेवेशन करते हैं अगर सॉइल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप डिज़ाइन बनाते हैं, आप डिज़ाइनर हैं, उसकी डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों ने उसका एस्टिमेट भी बनाने का है, तो इस पे कितना खर्चा आएगा, अगर सॉइल अच्छा है तो खर्चा कम आएगा, सॉइल अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है प्लांट्स के लिए, तो उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा, तो सॉइल कंडीशन का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर साइट के जो डायमेंशन है, आप जहाँ जाते हैं, जहाँ डिज़ाइन बनाते हैं, उस एरिया के पूरे डायमेंशन आप लेंगे, ये तो पहले से बताया आपको मैंने मुख्तलिफ क्लासेस में, लेकिन पूरे डायमेंशन का मतलब ये है कि जब आप घर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे और आप कंप्यूटर में ड्रा करेंगे, तो आपके जहन में कई कई सारे चीज़ें आएंगे कि यार इधर से ये डायमेंशन लिया होता, इधर से ये लिया होता, तो साइड से मैक्सिमम डायमेंशन आप ले लें। आपका जो लैंडस्केप एरिया है उसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, पूरे चीज़ों का डायमेंशन लेना चाहिए। फिर जो उधर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है, मेन हॉल है, अंडरग्राउंड सर्विसेज है, अबाव ग्राउंड सर्विसेज है, उन उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि मसलन एक जगह पे नीचे केबल जाता है, आप लोग आपको मालूम नहीं है, आपने उसमें उसके ऊपर ट्री रख दिया या ऊपर से कोई मतलब बिजली का लाइन जाता है, तो आप उधर बड़ा ट्री नहीं लगा सकते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले से रिकॉर्ड में रखने का है, और जब आप डिज़ाइन के लिए बैठते हैं तो उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, उस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट या क्लाइंट के प्रायोरिटीज क्या है, क्लाइंट क्या मांगता है, तो ये आपको गौर से नोट करना चाहिए कि आपको क्लाइंट ने बुलाया है या क्लाइंट किसी और ने बुलाया है, लेकिन जहाँ पे जिसके लिए आप डिज़ाइन बनाते हैं, जो यूटिलाइज करेगा उसको, जो इस्तेमाल करेगा, जो पेमेंट करता है, पैसा खर्चा करता है, उस आदमी का आप सुनेंगे कि वो क्या मांगता है, क्या चाहता है, और वो क्या मांगता है इसका मतलब ये है कि उसके जहन में क्या है, कोई प्ले ग्राउंड के बारे में वो बात करता है, उसका सिर्फ ब्यूटिफिकेशन चाहिए या उसको टेम्प्रेरी चीज़ चाहिए या परमानेंट चीज़ चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसकी प्रायोरिटीज क्या है, ये
आपने मालूम करने का है। फिर उस जगह पे सेफ्टी का कोई इशू है या नहीं है, पानी है नहीं है, ये भी आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं। लेकिन वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि आप अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन उसकी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो डिज़ाइन सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपका डिज़ाइन भी ज़ाया हो जाएगा और आप जिसके लिए डिज़ाइन बनाए वो बाद में खुश नहीं होगा। तो इसके अलावा जो डिज़ाइन आप बनाते हैं उस डिज़ाइन के मुताबिक आपका डिज़ाइन ज़मीन पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज है नहीं है। आदमी कौन ही करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा या आप करने का है वो क्लाइंट खुद करेगा इसके लिए, और कोई टेक्निकल आदमी है, आप बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है लेकिन वो डिज़ाइन कोई बना ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ख्याल लाना चाहिए। दूसरा, जो मटेरियल जो डिज़ाइन आप बनाते हैं वो मटेरियल उधर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, क्योंकि आप तो डिज़ाइन में या कोई नेट से कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोकल मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलता है तो फिर ये डिज़ाइन में ज़्यादातर इशू ये आते हैं कि ऐसे लोग डिज़ाइन बनाते हैं जो सिर्फ नेट से पिक्चर डाउनलोड करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन साइट या एक्चुअल जो मार्केट है उससे वो अवेयर नहीं होते हैं। तो उस इसको इंश्योर करने का, ये आपका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है और एक्सपेंसिव या चीपर है, इसी तरह आपको कंसल्ट करने का है, कोऑर्डिनेशन करने का है रेलेवेंट अथॉरिटी से। मतलब आप एक जगह में डिज़ाइन बनाते हैं तो उधर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मसलन किसी किसी जगह पे ये है कि ये प्लांट दरख्त नहीं लगाना चाहिए। मसलन दुबई म्यूनसिपैलिटी में उन एक दरख्त है उसका नाम है फनाकार्पस, उन उनके कोड्स में ये है, उनके नोटिफिकेशन हुए कि ये फनाकार्पस रोड के क्लोज नहीं लगाना चाहिए, बिल्डिंग में नहीं लगाना चाहिए। तो अब ये जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उनके जो नोटिफिकेशन है उनके जो रूल रेगुलेशन है उनको जहन में रखना चाहिए, और अगर अगर ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है फिर तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद एक बातें ज़रूरी थी जो आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दी। अच्छा, अभी इसके बाद हम आएंगे एक्चुअल क्लास की तरफ। अनीस जो है ना मेरा स्टूडेंट है, एमएस का स्टूडेंट था, अभी आजकल दुबई में है और ये फाइवर में बिजनेस करता है, एक्सपर्ट भी है, और यही लैंडस्केप डिज़ाइन की जो कोर्सेज है ये उसने किए हैं, और अभी जॉब भी करता है साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस भी करता है। तो उसमें इस वजह से इनवाइट किया है कि वो प्रैक्टिकली इसमें है, आपको लोगों को प्रैक्टिकली बताएगा कि आपने जो स्किल डेवलप किए हैं, आपने जो सीखा है, ये आप इनको कैश कैसे करेंगे, इनको ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो अनीस आप अगर शुरू कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ।